गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के हिंदी सब्जेक्ट का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। आज का हमारा चौथा अध्याय है मनो। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को समझेंगे। इस अध्याय के शब्दार्थ है संतान, औलाद, मुग्ध, मोहित, चार दीवारी, मकान आदि के चारों तरफ बड़ी दीवार, मजाल, हिम्मत, दाना पानी छोड़ना, खाना छोड़ देना, निष्ठुर, कठोर हृदय वाला, सहर्ष, खुश होकर, अमानुषी, मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध, दर्शक, देखने वाला, अधीर, बेचैन, क्रूर, कुटिल, चिन्ह, निशान। अब इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। जीवनदास एक गरीब मदारी था। वह अपने बंदर मनु को नचाकर अपनी जीविका चलाता था। वह और उसकी स्त्री बुढ़िया दोनों ही मनु को बहुत प्यार करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों मनु को अपने साथ ही खाना खिलाते और अपने साथ ही सुलाते थे। उनके लिए मनु से अधिक प्रिय और कोई न था। एक बार जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया। मनु आंगन में गेंद से खेला करता था। उसके भोजन करने के लिए एक मिट्टी का प्याला था। ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा, सोने को एक टाट और लटकने के लिए छप्पर में एक रस्सी। मनु इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक खाने की चीज़ उसके प्याले में न रख दी जाए, वह भोजन नहीं करता था। अपनी टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शाल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने निकल जाता था। दर्शक उसका तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। तमाशा समाप्त होने पर वह उस सबको सलाम करता था। लोगों के पैर पकड़ के पैसे मांगता था। मनु का कटोरा पैसों से भर जाता था। एक दिन मनु के मन में फल खाने की इच्छा जागृत हुई। उछल कूद करता वह एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो पेड़ फलों से लदे हुए हैं। तुरंत एक छलांग मारकर वह चार दीवारी पर चढ़ गया। दूसरी छलांग में पेड़ों पर जा पहुंचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियां खाई, खुश होकर गुठलियां इधर उधर फेंकना शुरू किया। फिर वह सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर डालियों को हिलाने लगा। पके आम जमीन पर गिर गए। डालियों के हिलने से खड़खड़ाहट हुई और तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मनु को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। परंतु या तो पत्थर उसके पास तक पहुंचते ही न थे, या सिर और शरीर हिलाकर पत्थरों से बच जाता था। माली ने जाकर अपने मालिक को खबर दी। वह साहब पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। सुनते ही आपे से बाहर हो गए। एक बंदर की इतनी मजाल की मेरे बगीचे में आकर उधम मचाए। बंगले का किराया मैं देता हूँ, बंदर नहीं देता। तुरंत बंदूक उठाए और बगीचे में आ पहुँचे। देखा कि मनु एक पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है। गुस्से से लाल हो गए और उसकी तरफ बंदूक तान दी। बंदूक देखते ही मनु के होश उड़ गए। वह उसी डाल पर दुबक कर बैठ गया। साहब को उस पर दया आ गई। मालिक को मनु पकड़ने भेजा। माली वृक्ष पर चढ़ गया और मनु को एक रस्सी में बांध लाया। मनु को बरामदे में लाकर एक खंभे से बांध दिया गया। संध्या समय मदारी मनु को ढूंढता हुआ साहब के घर पहुंचा। मनु उसे देखते ही ऐसा अधीर हुआ मानो जंजीर तोड़ डालेगा, खंभे को घिरा देगा। मदारी ने जाकर मनु को गले से लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर, भूल चूक तो इंसान से भी हो जाती है। यह तो पशु है, मुझे चाहे जो सजा दीजिए पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार, यह मेरी रोटियों का सहारा है, इसके बिना हम दो प्राणी भूखे मर जाएंगे। इसे हमने अपने लड़के की तरह पाला है। जब से यह भागा है मदारी ने दाना पानी छोड़ दिया है। दया कीजिए सरकार। मगर साहब को न मानना था।
सो न माने। गुड़क कर बोले, चुप रह पाजी, टेटे करके दिमाग चाट गया, बंदर छोड़कर बाघ का सत्यानाश कर डाला। अब खुशामद करने चले हो, जाकर देख इसने कितना नुकसान किया है, कितने फल खराब किए हैं। अगर इसे ले जाना चाहते हो तो 10 रुपये लाकर मेरी नज़र कर, नहीं तो चुपके से अपनी राह पकड़। यह या तो यहीं बंधे बंधे मर जाएगा या कोई इतने दाम देकर इसे ले जाएगा। मदारी निराश होकर चला गया। दुर्भाग्य से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर आया। उसे मनु को बंधे बैठे देखा तो पास आकर धीरे से पुचकारा। मनु उछलकर उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू बंदर है। उसे अपने तमाशे के लिए एक बंदर की ज़रूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। किंतु मनु को शीघ्र ही पता चल गया कि यह यहाँ में और भी बुरा फंसा। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले को सौंप दिया। रखवाला बड़ा निष्ठुर और क्रूर था। उसके पास कई बंदर थे। वह उनके भोजन की सामग्री खूब खा जाता था। अन्य बंदरों ने भी मनु का कोई सहर्ष स्वागत नहीं किया। अब मनु को नई विद्या सीखनी पड़ी। पैर गाड़ी पर चलना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर दो टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थी। मनु को यह सब सीखने में बहुत मार खानी पड़ती। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। इन्हीं झंझटों में एकाएक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक का जान बचाकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं की किसी को खबर न रही। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। ये सब के सब जीव इस समय तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही जब वे भागे तो मनु भी भाग खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि पंडाल जला या बचा। मनु कूदता फांदता सीधे जीवनदास के घर पहुंचा, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मनु आ गया। मनु उस दिन से रोज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेटा रहता। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मनु गली में बैठा था, इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसे देखा, एक बुढ़िया चिथड़े पहने, सिर के बाल छिटकाए, भूतनियों की तरह चली आ रही है। कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी की हाँक लगाते, तालियां बजाते चले आ रहे हैं। बुढ़िया शांत भाव से आगे चलती रही। जब वह निकट आई तो मन्नू उसे पहचान गया। यह तो मेरी बुढ़िया माँ है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया माँ ने चौंक कर मन्नू को देखा तो फौरन पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। लड़कों ने फिर पगली नानी का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू किया, उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तक तो तुझे क्रोध नहीं आता था, अब क्यों क्रोध आ रहा है? बुढ़िया ने अपने बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो अमानुषी आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मनु से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए, हमारी सुध नहीं थी? तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधारा। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालने लगी। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, रहने की, घर की सबकी इच्छा थी। तुम्हारे जाते ही सब इच्छाएं समाप्त हो गई। जब तुम थे तो अकेली भूख ही सताती थी तथा संसार में और किसी बात की चिंता न थी। तुम्हारा मदारी मरा पर मेरी आंखों से आंसू न आए। वह खाट पर पड़ा
कराता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया था कि उसकी दवा दारू की कौन कहे। उसके पास खड़ी तक न होती थी, सोचती थी यह मेरा कौन है। अब आज वे सब बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि सचमुच पगली हो गई थी। लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। मनु बुढ़िया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और निकले करके भीख मांगकर अपने बुढ़िया के खाने भर को वो अनाज या रोटियां ले आता था। पुत्र भी अगर होता तो वह इतने प्रेम से माता की सेवा ना करता। लोग बुढ़िया के प्रति बंदर का यह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते थे कि यह बंदर नहीं कोई देवता है। थैंक यू।